Hello students, how are you? Hope you are fine. Today is your English grammar class. Last class में हमने अपनी reader की book का एक story की थी. आज हम अपने grammar का lesson start करेंगे. So take out your English grammar book. पहले हम थोड़ा सा previous knowledge gain कर लेते हैं. Previous class में हमारी क्या कर रहा था हमने grammar की? हमने लेसन नंबर टू किया था. लेसन नंबर टू में क्या था हमारा? वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स. वॉवल्स की हाउ मेनी वॉवल्स आर देयर? या फाइव वॉवल्स आर देयर, ए ई आई ओ यू, क्लियर. एंड हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर? 21. कितने होते हैं? 21. एंड हाउ मेनी टोटल अल्फाबेट्स आर देयर? 26, क्लियर. हमने इस पूरे चैप्टर में वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स के बारे में ही जाना था. लेट स्टार्ट योर न्यू चैप्टर. योर न्यू लेसन इज लेसन नंबर 3, नेम्स ऑफ थिंग्स. थिंग्स किसे कहते हैं? कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकती है वो, या कोई भी क्लोथ हो सकते हैं, कुछ भी, एवरीथिंग क्या होता है वो? थिंग कहलाती है. कोई भी जिसके अंदर हमारी जो नॉन लिविंग हो, मतलब जिसमें हमारी जान नहीं है, जो जानदार नहीं है, वो हमारी क्या कहलाती है? थिंग्स. लेट्स बिगिन. यू नो दैट एवरीथिंग, एवरी प्लेस और एवरी पर्सन हैज अ नेम. आप जानते हैं हर चीज का नाम है इस दुनिया में, चाहे वो कोई भी जगह हो, कोई भी पर्सन हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी, सबका नाम होता है. जानते हैं ना आप, जैसे आप गर्ल, फिश, पार्क, कुछ भी, एवरीथिंग, बुक, ये बुक हो गई हमारी, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ये सब हमारे नेम्स हैं. तो हमारे इस चैप्टर में हम ये जानेंगे नेम्स ऑफ थिंग्स. हर चीज का नाम होता है, आप भी जानते हैं. चलिए अब थोड़ा सा नीचे का देख लेते हैं. लेट्स डू इट. Read the names of the following. अब हमें इन सबके names पढ़ने हैं. Frog. अभी frog है, अब इसको skirt तो कह नहीं सकते, ये frog है तो आप frog ही कहेंगे. Clock. Flag. Bus. Train. Umbrella. Car. Television. Glass. Shirt. Ball. Desk. Rose. मैंगो. वॉशिंग मशीन. बुक. बॉक्स. स्वेटर. कंप्यूटर एंड डॉल. क्लियर. इन सबके क्या है? ये नेम्स हैं. तो हमने लेसन नंबर 3 में क्या जाना? नेम्स ऑफ थिंग्स, किसी भी चीज का नाम. और ये चीजें कौन सी? जिनके अंदर जान नहीं है, जो नॉन लिविंग है. क्लियर. अब फ्रॉग है, फ्रॉग तो चल के तो उठ के कुछ खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि फ्रॉग के अंदर जान नहीं है, फ्रॉग जानदार नहीं है. क्लॉक, क्लॉक भी नहीं है, फ्लैग भी नहीं है, बस भी नहीं है. तो ये थिंग्स उन्हें कहते हैं जिनके अंदर जान नहीं होती, जो चल नहीं सकते. जैसे हम इंसान हैं, इंसानों के अंदर जान होती है तो हम थिंग्स में नहीं आएंगे. क्लियर. लेसन नंबर 3 में आपके पास इतना ही था नेम्स ऑफ थिंग्स. इसमें हमें थिंग्स के बारे में ही बताया गया है, सिर्फ आपका इतना ही है. ये आप अच्छे से रीड करेंगे और जानेंगे कि थिंग्स क्या क्या होती हैं, और आप कुछ न्यू थिंग्स के बारे में लिखेंगे भी. सो आपके लेसन 3 का होमवर्क है, राइट डाउन 10 नेम्स ऑफ थिंग्स इन योर कॉपी. आपको कोई भी 10 थिंग्स लिखनी है, उसके अंदर आपकी कुछ भी आ सकती है, आपकी नोटबुक, पेंसिल, इरेजर, बैग, फैन, रूम, एनीथिंग. क्लियर. नेक्स्ट लेसन इज 4, नेम्स ऑफ प्लेसेस. हमने लेसन 3 में क्या किया था? नेम्स ऑफ थिंग्स. और यहां हम करेंगे नेम्स ऑफ प्लेसेस. प्लेसेस क्या होती है? कोई भी जगह, किसी भी जगह का नाम. आप जैसे जानते हैं, जैसे ही थिंग्स का नाम होता है, वैसे ही हर जगह का नाम है. अब बिना नाम की तो कोई जगह है नहीं. आप जहां जहां रहते हैं वहां के भी सबके नाम है. कोई जाफराबाद में रहता है, कोई चौहान बागर, कोई ब्रह्मपुरी, गौतमपुरी,
कोई आउट ऑफ दिल्ली रहता है, आप गांव में जाते हैं, बाहर, उन सबके ही नेम होते हैं। तो आज हम यहाँ पर हम नेम्स ऑफ प्लेसेस ही पढ़ेंगे। लेट्स डू इट। फॉलोइंग आर द नेम्स ऑफ प्लेसेस, रीड दीज नेम्स अलाउड एंड रिमेम्बर देम। अभी कुछ प्लेसेस के नेम्स दे रखे हैं, ये आपको रीड करना है मेरे साथ साथ। शॉप, स्कूल, पार्क, जू, हॉस्पिटल, स्टेशन। अभी यहाँ तक मैंने जितने भी आपको नाम बताए हैं, इन सारे ना ये सारी जो जगह है, प्लेसेस हैं, यहाँ पे आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, आप गए भी हैं, आप बहुत सारी शॉप्स पे जाते रहते हैं, स्कूल का आप डेली आते हैं, आप पार्क में भी गए होंगे बहुत सारी जगह पर। जू, जू होता है जहां पर बहुत सारे जानवर एक साथ होते हैं, जानवर, परिंदे, ये सारी चीजें एक साथ होती हैं, वो जू कहलाता है। अगर आप कहेंगे तो चिड़ियाघर हम कह सकते हैं, यहाँ पे चिड़ियाघर, आप बहुत सारे लोग गए होंगे चिड़ियाघर। हॉस्पिटल भी आप लोग गए होंगे, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं गया होगा हॉस्पिटल। स्टेशन, जहाँ पे हमारी ट्रेन, मेट्रो स्टेशन भी है और एक स्टेशन ट्रेन वाला होता है। और बस स्टॉप, लाइब्रेरी, रोड, मार्केट, चर्च, बैंक। तो ये सारी क्या है, हमारी प्लेसेस हैं। क्लियर? तो लेसन नंबर 3 में आपने थिंग्स, नेम ऑफ थिंग्स पढ़ा था, यहाँ पे आपने नेम ऑफ प्लेसेस पढ़ा है। क्लियर? तो आपको ये दोनों चैप्टर एक साथ ही करने, क्योंकि दोनों रिलेटेड हैं। ओके, आई होप आपको ये दोनों चैप्टर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इस चैप्टर में ज्यादा कुछ खास नहीं था, बस आपको एक में आपको नेम्स ऑफ थिंग्स था और एक में आपका नेम्स ऑफ प्लेसेस था। आपने लेसन नंबर 3 का होमवर्क मैंने आपको बता दिया आपको क्या करना है। लेसन नंबर 4 में आपको 10 नेम्स लिखने हैं प्लेसेस के, अपनी कॉपी में। वो 10 नेम्स कोई से भी हो सकते हैं, किसी भी जगह का नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप अपनी नानी के जहाँ जाते हैं आप उसका नाम लिख सकते हैं, उस जगह का। आप जहाँ रहते हैं आप उस जगह का नाम लिख सकते हैं। शॉप, मार्केट, हॉस्पिटल, बैंक, पुलिस स्टेशन, एनीथिंग। क्लियर? सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये दोनों लेसन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ओके, टेक केयर, बाय बाय।